वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड आज मैं यहाँ पे फिर से दो ऐसे स्मार्ट वॉचेस लेके आया हूँ जो कि 2,500 रुपये के अंदर में हैं। एंड यहाँ पे फास्ट ट्रैक की एंड नॉइज़ दो का आज मैं यहाँ पे कॉम्पेरिजन्स करने वाला हूँ। अंडर 2,000 रुपीज़ में अगर इनको परचेस करने की सोच रहे हो तो दो स्मार्ट वॉचेस आपके लिए बेस्ट है, बट इन दोनों में से कौन सा बेटर है जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसा क्यों कहा मैंने, फास्ट ट्रैक की रिवॉल्ट एफएस 1 प्रो इज बेटर देन नॉइज़ की कलर फिट आइकन 4, उसका भी मैं यहाँ पे कुछ सॉलिड आपको रीजंस देने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो पर एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कुछ गिव अवे एक्सेट्रा आने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका प्राइसिंग। तो देखिए जो नॉइज़ है, नॉइज़ की प्राइसिंग्स है 1,999 रुपये। एंड एफएस 1 जो फास्ट ट्रैक की मैं बात करूँ तो 2,299 रुपये के प्राइस पर आ रही है। तो यहाँ पे 300 रुपये का डिफरेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको डिफरेंसेस में फीचर्स में भी मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडल नेम, जैसे कि मैंने कहा नॉइज़ की कलर फिट आइकन 4 एंड फास्ट ट्रैक की रिवॉल्ट एफएस 1 प्रो है। दोनों में आपको स्मार्ट वॉच, चार्जिंग केबल, मैनुअल, बुक्स एंड इसके साथ में वारंटी पेपर मिल जाएंगे। बात करें ऑल ओवर पहले स्टार्टिंग्स में वेट एंड मटेरियल शेप्स की, तो देखिए दोनों रेक्टेंगुलर शेप में है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, स्विचिंग्स में जो है कलर में आपको जो है कलर फिट में एक यहाँ आपको रोटेशनल बटन एंड एक पुशर बटन्स मिल जाती है, बट एफएस 1 प्रो में ओनली आपको वन एक फंक्शनली बटन्स मिल जाती है। इसी के साथ में ये टोटली ऑपरेट होने वाली है। ऑल ओवर वेट जो है एफएस 1 प्रो की जो वेट है 46 ग्राम्स एंड आइकन 4 जो है आपको अप्रॉक्स 50 ग्राम्स के रूप में आपके वेट पे आने वाली, बिकॉज यहाँ पे मेटेलिक बॉडी फ्रेम है एंड यहाँ पे जो सॉरी मेटेलिक कह रहा हूँ पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी है एंड सिलिकॉन बेस्ड दोनों में स्ट्रैप्स मिल जाती हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप में दोनों का जो शेप्स कुछ अलग है यहाँ पे एफएस 1 में, बिकॉज यहाँ पे आपको आर्काइज डिस्प्ले मिल रही है, यहाँ पे हल्का सा टिल्ट है जो कि आपके रिस्ट में काफ़ी अच्छा खासा जो है लुक्स प्रोवाइड करती है फिटिंग्स के साथ में। बात कर ले दोनों के प्रोटेक्शंस की, तो दोनों में आपको आईपी रेटिंग 68 की वाटर रेजिस्टेंस साथ में मिल जाती है, डस्ट प्रूफ। तो वाटर रिलेटेड एक्टिविटी अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दोनों को कर सकते हैं, दोनों का जो है आपको सेम एक्सपेक्ट्स मिलने वाला है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले, तो दोनों में आपको कलर एमोलॉयड डिस्प्ले मिल रही है 1.96 इंचेस की, जहाँ पे आपको जो है एमोलॉयड डिस्प्ले में विजिबिलिटी एक्सेट्रा काफ़ी अच्छी होने वाली है। बट एफएस 1 प्रो में यहाँ पे मैं कहूँ तो दो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रही है। फर्स्ट वन की यहाँ पे आपको जो पीपीआई 330 मिल रही है एज कम्पेयर टू आइकन 4 में 195 PPI है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फंक्शनलिटी के साथ में यहाँ पे आर्काइट डिस्प्ले के ऑप्शन मिल जाती है जो कि इसको लुक्स एट्रैक्शन को काफ़ी जो है बेटर लुक्स प्रोवाइड करती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि फास्ट ट्रैक को यहाँ पे मैं आपको जो है प्रेफर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो है बात है यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग्स की, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ की कॉलिंग कनेक्टिविटी आपको दोनों पे मिल जाती है, जहाँ पर डायरेक्ट डाल कॉल स्ट्रेन फेब्रिक कॉल सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं। रही बात है एक्स्ट्रा फीचर्स में, तो आपको आइकॉन 4 में मिल रही है नॉइज़ में रिमोट कंट्रोल, इसके अलावा फाइंड माई फोन, वेक जेस्चर्स, AI वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वेदर की रिपोर्ट एंड स्मार्ट D&D ऑप्शन। बात करें फास्ट ट्रैक्स में, तो आपको कैमरा कंट्रोल, 110+ स्पोर्ट्स मोड्स, 200+ वॉच फेसेस, इनबिल्ट गेम्स, मल्टीपल मेनू स्टाइल एंड जो है आपको यहाँ पे बेटर टू बेटर एक्सपीरियंस मिलेगी एफएस 1 प्रो में। इसके अलावा बात कर ले बैटरी बैकअप्स, तो देखिए दोनों में बैटरी बैकअप जो है सेम होने वाला है, जहाँ पे नॉर्मल यूज़ पे 7 डेज स्टैंड बाई जो है आपका 20-30 डेज तक जा सकती है। ब्लूटूथ कॉलिंग्स पे 2 से 3 दिनों का हो सकता है, बट ये ऑलवेज डिपेंड करेगी आपके यूजर्स के ऊपर। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे मिलती है एफएस 1 प्रो में फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट। इसके अलावा जो है यहाँ पे दोनों में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में आपको HR, स्पोर्ट 2, स्पीडोमीटर, स्लिप रिमाइंडर ऑप्शंस मिल जाती है। सो अगर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के ख्याल से अगर आप लेना चाहते हैं तो दोनों को डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ पे ले सकते हैं। रही बात यहाँ पे मीटर सेंसर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको मिल जा रही है एक्सेलेरोमीटर आइकॉन 4 में, कैलोरीज काउंट्स, स्टेप्स काउंट्स एंड यहाँ पे एफएस 1 प्रो में मिली है कैलोरीज, स्टेप्स काउंट्स, एक्सेलेरोमीटर। दोनों में अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर, रिमाइंडर के ऑप्शंस मिल जाती है, ब्रीदिंग एक्सेट्रा, फीमेल साइकिलिंग के ऑप्शंस मिल जाती है। सो कैसे फाइनली कंक्लूजन की बात करें कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो देखिए अगेन मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट एफएस 1 प्रो जो है मैंने आपको प्रेफर किया। फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पे आपको डिस्प्ले बेटर मिल रही है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट्स मिल रही जा रही है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फंक्शनलिटी है। तो ये कुछ ऐसे इसके फीचर्स हैं जो मुझे काफ़ी बेस्ट लगे हैं एज पर कंपेयर टू नॉइज़ की कलर फिट आइकन 4 की। तो इन दोनों का मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, उसको चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, दोनों के ऊपर सेपरेटली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ।